डियर फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है डिटरमिनेशन ऑफ एवरेज रेनफॉल। जैसे कोई कैचमेंट एरिया हमारे पास है, उस कैचमेंट एरिया के अंदर रेन गेज इंस्टॉल है और हर रेन गेज के ऊपर जो पॉइंट रेनफॉल रिसीव होती है, उस पॉइंट रेनफॉल को रिसीव करके हम पूरे एरिया की एवरेज वैल्यू निकाल लेते हैं जो इस पूरे एरिया की रेनफॉल को शो करता है। तो इस तरह किसी भी एरिया की जो एवरेज रेनफॉल है, उस एवरेज रेनफॉल को निकालने के लिए तीन तरह के मेथड यूज होते हैं, अर्थमेटिक मेन मेथड, थिशन पॉलीगन मेथड, आइसोहाइडल मेथड। सबसे पहले है अर्थमेटिक मेन मेथड। इसमें किसी भी एरिया से प्राप्त पॉइंट रेनफॉल को, पॉइंट रेनफॉल क्या होगी कि जो अलग अलग पर अलग अलग रेन गेज इंस्टॉल किए हुए हैं, उन अलग अलग रेन गेज से रेनफॉल प्राप्त करके पूरे एरिया की जो वैल्यू है उसको एवरेज रेनफॉल के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। और यदि स्मॉल वेरिएशन है इन रेनफॉल के अंदर, रेनफॉल वैल्यू के अंदर स्मॉल वेरिएशन पाया जाता है, जो रेन गेज इंस्टॉल होते हैं अगर उनके रेनफॉल के अंदर स्मॉल वेरिएशन पाया जाता है तो ये मेथड यूज किया जाता है। और ये मेथड वहाँ यूज किया जाता है जहाँ पर जिस बेसिन का या जिस कैचमेंट एरिया का जो टोटल एरिया है वो 500 स्क्वायर किलोमीटर से कम होना चाहिए। और इसमें करते क्या है कि जैसे P1, P2 ये रेन गेज हैं, जैसे जो रेन गेज जितने नंबर ऑफ रेन गेज किसी भी एरिया के अंदर इंस्टॉल किए गए हैं, उन हर रेन गेज के वैल्यू को हम सम करेंगे। जैसे P1, P2, P3, P4 अगर P10 तक है तो P10 तक की वैल्यू को हम उनके अंदर सम करेंगे और जितने नंबर ऑफ रेन गेज है वो हम उतने नंबर ऑफ रेन गेज से उसको डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह हमारे पास उस एरिया की एवरेज वैल्यू निकल कर आ जाती है। और ये मेथड एक्यूरेट रिजल्ट्स देता है, किसी भी कैचमेंट एरिया के अंदर जितनी भी रेनफॉल रिसीव हुई है उसका एक्यूरेट रिजल्ट देता है अगर वो स्टेशन के अंदर यूनिफॉर्मली रेनफॉल हुई हो किसी भी एरिया के अंदर, तो वो एक्यूरेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक भी है अर्थमेटिक मेन मेथड का, कि इसके अंदर कि जो जैसे कैचमेंट एरिया है, इस कैचमेंट एरिया के जस्ट आउटसाइड अंदर जो रेन गेज इंस्टॉल होते हैं, उन रेन गेज को इस अर्थमेटिक मेन मेथड के अंदर या इस मेथड के अंदर इनको यूज नहीं किया जाता है, तो ये इसका ड्रॉबैक है। अब इसका कैलकुलेशन करते हैं कि जैसे रेन गेज ABCD किसी एक एरिया के अंदर चार रेन गेज लगे हुए हैं और हर रेन गेज के ऊपर जो रेनफॉल रिसीव की गई है उसको सेंटीमीटर में मापा गया। जैसे रेन गेज ए से 7.2 सेंटीमीटर रेनफॉल रिसीव हुई है, बी से 4.9 सेंटीमीटर रेनफॉल हुई है, सी से 5.2 सेंटीमीटर रेनफॉल रिसीव हुई है, डी से 2.3 सेंटीमीटर रेनफॉल रिसीव हुई है। तो फॉर्मूला क्या है कि जितने भी ये P1, P2 थे, मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा, ABCD चार ये रेन गेज हैं, तो इन चारों की जैसे ए स्टेशन की जो रेनफॉल है प्लस बी स्टेशन की जो रेनफॉल है प्लस सी स्टेशन की जो रेनफॉल है प्लस डी स्टेशन की जो रेनफॉल है, हम इनको जोड़ देंगे और जितने नंबर ऑफ रेन गेज है, रेन गेज कितने हमारे 1, 2, 3, 4 चार रेन गेज है, तो चार रेन गेज से हम इस टोटल को भाग दे देंगे, तो ये 4.9 सेंटीमीटर इस कैचमेंट एरिया की ये रेनफॉल निकल कर आती है, एवरेज रेनफॉल ही निकल कर आ जाती है। उसके बाद सेकंड है थिशन पॉलीगन मेथड। इस मेथड के अंदर जो रेनफॉल रेन गेज द्वारा रिकॉर्ड की
गई भी होती है, उस रिकॉर्ड की भी रेनफॉल को, जहाँ पर वो रेन गेज इंस्टॉल किया गया है, उस रेन गेज का जो एरिया होता है, उस एरिया की वेटेज उस रेनफॉल के साथ मल्टीप्लाई करके हम थिशन पॉलीगन मेथड से किसी भी एरिया की जो एवरेज रेनफॉल है वो कैलकुलेट करते हैं। और ये जो मेथड है, थिशन पॉलीगन मेथड है, ये एक्यूरेट मेथड होता है। और ये थिशन पॉलीगन मेथड है, ये जब बेसिन का एरिया 500 से 5000 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर होता है, तो ये थिशन पॉलीगन मेथड उस रेनफॉल कैचमेंट एरिया या उस बेसिन की रेनफॉल की एवरेज निकालने के लिए इस मेथड का उपयोग किया जाता है। इसको निकालने के स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहले क्या करते हैं कि जो हमारा कैचमेंट एरिया है उसको स्केल के अकॉर्डिंग ड्रा करते हैं, और फिर क्या करते हैं कि जो रेन गेज जहाँ पर लगे हुए हैं वहाँ पर वो लोकेशन उस कैचमेंट एरिया के अंदर हम ड्रॉ करते हैं, मार्क करते हैं। जब उन रेन गेज को ड्रा कर देते हैं तो जितने भी रेन गेज है सबको स्ट्रेट लाइन से हम कनेक्ट कर देते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट कर देंगे। तो कनेक्ट करने के बाद जो कनेक्टेड लाइन बनी है हर रेन गेज के बीच में, तो उनके ऊपर प्री पेंडिकुलर बायोसेक्टर, हर साइड के ऊपर जो लाइनें एक दूसरे से लिंक की हुई है उनके ऊपर हम 90 डिग्री का कोण बनाते हुए उन लाइनों का अर्ध विभाजन कर देते हैं। और अर्ध विभाजन के बाद हम उस बायोसेक्टर को, और जो बायोसेक्टर हुआ है उस बायोसेक्टर को आगे बढ़ा देंगे, आगे जो कैचमेंट एरिया की बाउंड्री है उसके साथ मिला देंगे, और दूसरी तरफ जो दूसरे बाई सेक्टर है उनकी जो बाई सेक्टर हुए है उनके साथ उसको कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरह जो हमारा कैचमेंट एरिया होता है, जो बेसिन एरिया होता है, उसके अंदर पॉलीगन्स का निर्माण हो जाता है। और उस पॉलीगन्स, जैसे अगर एक एरिया, एक रेन गेज जहाँ पर इंस्टॉल हुआ है उसका एक पॉलीगन आ जाता है, तो वो रेन गेज उस पॉलीगन के अंदर की जो रेनफॉल है उसको प्रभावित करता है। उस रेन गेज, वो जो रेन गेज है उस एरिया के अंदर जितनी रेनफॉल रेशियो होती है उसको शो कर रहा होता है। और जहाँ पर जितने नंबर ऑफ रेन गेज स्टेशन इंस्टॉल होंगे उस कैचमेंट एरिया के अंदर, तो जो कैचमेंट एरिया की जो कैलकुलेशन है वो थिशन पॉलीगन द्वारा उस रेनफॉल को कलेक्ट कर लिया जाता है। तो सबसे पहला हम स्टेप्स क्या था कि जो कैचमेंट एरिया है उस कैचमेंट एरिया को हम स्केल के अकॉर्डिंग ड्रॉ कर लेते हैं। फिर दूसरा स्टेप क्या था कि हम हमारे जो रेन गेज इस एरिया के अंदर इंस्टॉल है हम उनको मार्क कर लेते हैं। मार्क करने के बाद क्या किया था कि हम इनको स्ट्रेट लाइन के साथ, हर ये रेन गेज को हम स्ट्रेट लाइन के साथ कनेक्ट कर देते हैं। जिम मैं फ्री हैंड से कर रहा हूँ इसलिए स्ट्रेट नहीं आ रही है। तो जब ये एक दूसरे के रेन गेज को हम एक दूसरे से कनेक्ट कर देते हैं, तो उसके बाद हर ज्वाइनिंग लाइन का हम बाईसेक्टर कर देते हैं, उस लाइन का अर्ध विभाजन कर देते हैं। अर्ध विभाजन के बाद क्या करते हैं, हम इन बाईसेक्टर को बाउंड्री की तरफ खींच देते हैं, और जहां पर दूसरे बाईसेक्टर का अर्ध विभाजन है उनके साथ इसको मैच कर देते हैं। इस तरह से इनको मैच कर दिया जाता है। इस तरह जो ये रेन गेज है, ये पॉलीगन इस रेन गेज का बन जाता है। ये रेन गेज यहाँ पर इंस्टॉल है तो जो ये एरिया है ये इस पॉलीगन का बन जाता है, और इसी तरह ये जो एरिया है ये इस पॉलीगन का बन जाएगा, और ये एरिया इस रेन गेज के एरिया को शो कर रहा है, इन्फ्लुएंस एरिया को शो कर रहा है। तो इस तरह हर रेन गेज जहाँ पर इंस्टॉल है उसका पॉलीगन हमें प्राप्त हो जाता है। जो पॉलीगन प्राप्त हुआ है उसके एरिया को हम प्लेनीमीटर की सहायता से या
अगर आपकी सहायता से उस एरिया को कैलकुलेट कर लेते हैं। अब इसको एवरेज रेनफॉल के अंदर कैसे कन्वर्ट कर देते हैं इस टेबल और फॉर्मूले के द्वारा समझते हैं। तो हमारे पास जो रेन गेज सिस्टम है, इसके अकॉर्डिंग जो रेन गेज सिस्टम है, हमारे पास ए बी सी डी ई एफ, ये सिक्स हमारे पास रेन गेज सिस्टम है। इसमें आउटर पार्ट का जो रेन गेज सिस्टम है, जस्ट बाउंड्री के पास का जो रेन गेज होता है, उसको भी इसके कैलकुलेशन के अंदर शामिल कर लेते हैं। और जो ए स्टेशन है उस पे 2.3 सेंटीमीटर रेनफॉल रिसीव हुई है, बी पे 4.3, सी पे 5.1, डी पे 6.2, ए पे 5.3, एफ पे 2.8। अब जो पॉलीगन हमारे क्रिएट हुए थे उस पॉलीगन्स का एरिया कैलकुलेट कर लिया है। इसका एरिया कैलकुलेट नहीं किया है तो मैंने जस्ट उसका नाम लिख दिया है। ये जो ए रेन गेज है उसके पॉलीगन का एरिया है वो ए है, बी रेन गेज जहाँ पर इंस्टॉल है उसका एरिया बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है। तो आप ये कैलकुलेशन इसके अंदर रख सकते हैं, अगर कैलकुलेशन दी हुई हो टेबल के अंदर एग्जाम के अंदर, तो ये कैलकुलेशन यहाँ पर पुट कर लेनी है। उसके बाद इस वेटेज प्रोवाइड कर देनी है हर रेन गेज के सिस्टम को। वेटेज क्या होगी कि जितनी रेनफॉल रिसीव हुई है प्लस उस कैचमेंट एरिया का, कैचमेंट पॉलीगन का, उस रेन जहाँ पर रेन गेज ए इंस्टॉल है तो उस रेन गेज का जो पॉलीगन है उसका एरिया कितना है। तो ये दोनों कॉलम्स, जैसे कॉलम टू और कॉलम थ्री, दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 2.3 गुना ए, 4.3 गुना बी, 5.1 गुना सी हो जाएगा। इस तरह ये मल्टीप्लिकेशन हम करते चले जाएंगे। अब एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या होगा कि जितने भी रेन गेज सिस्टम है उन रेन गेज सिस्टम, रेन गेज पॉइंट है, उनको हम सम करेंगे। जैसे रेन गेज ए है तो उसका वेटेज के बाद जो कैलकुलेशन हुई है, वेटेज के बाद जो वैल्यू आती है वो पुट करेंगे हम। यहाँ पर 2.3 ए हो जाएगा, प्लस 4.3 बी हो जाएगा, प्लस 5.1 सी हो जाएगा, 6.2 डी, 5.3 ई, 2.8 एफ। इस तरह हम सब वैल्यू को जोड़ देंगे, जो वेटेज वैल्यू उनको जोड़ देंगे, और फिर जितने नंबर ऑफ रेन गेज सिस्टम हमारा उससे हम इसको भाग कर देंगे। हमारे पास 6 रेन गेज सिस्टम है तो इसको हम 6 से भाग कर देंगे। तो ये हमारा इस कैचमेंट एरिया का एवरेज रेनफॉल निकल कर आ जाएगा थिसन पॉलीगन मेथड के द्वारा। उसके बाद है आइसोहेडल मेथड। आइसो हाइट क्या होती है? आइसो हाइट एक ऐसी लाइन होती है जो किसी भी कैचमेंट एरिया के अंदर समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाती है। जो समान वर्षा वाले स्थान होंगे उन स्थानों को मिलाने वाली जो इमेजिनरी लाइन होती है, काल्पनिक जो रेखा होती है, उसको आइसो हाइट बोलते हैं। और जो आइसो हाइट मेथड है, जब किसी भी कैचमेंट या बेसिन का एरिया 5000 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा होता है, तब आइसोहाइटल मेथड का यूज करके उस कैचमेंट एरिया की, उस बेसिन की एवरेज रेनफॉल निकाली जाती है। और जो आइसोहाइटल होती है किसी भी कैचमेंट एरिया की, वो आइसोहाइटल है, कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती है। और जितनी ज़्यादा हायर वैल्यू होगी आइसोहाइट्स की, तो वो जिस प्लेस से गुजरेगी, वो हायर वैल्यू की जो आइसोहाइट है तो वो हाई रेनफॉल को शो कर रही होगी जिस एरिया से वो गुजर रही है। और जो आइसो हाइट है वो अपने आप एक कैचमेंट एरिया के अंदर क्लोज हो सकती है या फिर वो कैचमेंट एरिया से बाहर जा सकती है। जैसे ये कैचमेंट एरिया है तो जैसे मान लीजिए 2 सेंटीमीटर की जो रेनफॉल है, हो सकता है ये इसी एरिया के अंदर ये रिसीव हो रही हो, तो ये एक एरिया के अंदर ही, कैचमेंट एरिया के अंदर ही क्लोज हो सकती है, या फिर ये इस कैचमेंट एरिया से बाहर भी जा सकती है। तो ये आइसोहाइटल है। और जो गैप, जो एरिया होता है, जो दो सक्सेसिव आइसोहाइट होती है, जैसे कैचमेंट एरिया है, ये दो सक्सेसिव हमारी आइसोहाइट है ए और बी, इसकी वैल्यू 2, 4 जो भी मान सकते हैं। तो ये जो आइसोहाइट है हमारी सक्सेसिव आइसोहाइट है, एक दूसरे के बाद जो कंटिन्यूस आइसोहाइट आएगी, उनके एरिया को हम ग्राफ पेपर या प्लेनीमीटर द्वारा
कैलकुलेट कर लेते हैं। फिर जो रेन गेज स्टेशन पर जो रेनफॉल रेशियो होती है वो आइसोएटल 1 पे और आइसोएटल 2 पे, तो हम जो दोनों आइसोएटल पर जो रेनफॉल रेशियो हुई होती है उनका फिर हम एवरेज निकाल लेते हैं पहले दोनों पॉइंट्स का, और फिर उसके एरिया के साथ जो उस उन दोनों का जो ये एरिया निकल कर आता है प्लेनिमीटर आइसोहाइट का, उसके एरिया के साथ मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। सेम फिर नेक्स्ट टू सक्सेसिव हाइट के साथ आइसोहाइटल के साथ, फथिर उससे नेक्स्ट आइसोहाइटल के साथ, इस तरह हम ये कैलकुलेशन करते चले जाते हैं। और उसको फिर हम टोटल एरिया से, उसको जो बेसिन कैचमेंट का जो एरिया है उससे हम इसको डिवाइड कर देते हैं। तो इस तरह आइसोहाइटल मेथड से किसी भी स्थान की जो एवरेज रेनफॉल है वो निकल कर आ जाती है। उसके बाद स्टेप्स फोर आइसोहाइटल मेथड, जो कि आइसोहाइटल मेथड है उसको, उसके द्वारा जो रेन एवरेज रेनफॉल है उसको निकालने का मेथड क्या होगा। स्टेप वन में क्या है कि पहले जो हमारा एरिया होता है, कैचमेंट एरिया है या बेसिन है, उसको हम स्केल के अकॉर्डिंग ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे इसने हमने स्केल के अकॉर्डिंग ये ड्रॉ कर लिया है। उसके बाद जहाँ पर रेन गेज इंस्टॉल है वो रेन गेज यहाँ पर हम मार्क कर देते हैं, और फिर हर रेन गेज के ऊपर उसकी वैल्यू डिनोट कर देते हैं, लिख देते हैं, और वो एवरेज वैल्यू फिर आइसोहेटल मेथड से एवरेज रेनफॉल को डिटरमिनेशन करने में हेल्पफुल होती है, तो वो वैल्यू हम लिख देते हैं। सेकेंड स्टेप क्या होगा, जो भी रेन गेज हमने इंस्टॉल किए थे उनके ऊपर वैल्यू लिखी थी, आइसोहेटल्स ड्रा करते हैं, जो अलग विभिन्न प्रकार की जो अलग अलग वैल्यू दी गई है रेन गेज की, पॉइंट रेनफॉल है जो रेन गेज है, तो उसको हम इंटरपोलेटिंग मेथड के द्वारा आइसोहेटल निकालते हैं। उसके बाद थर्ड स्टेप क्या होगा कि जो आइसोहेटल हमारी निकली है, जैसे ये 4 की है, इस एरिया की 4 की है, इसकी ये 6 की आई है, 8, 10, 12 और 14, ये आइसोहेटल हमारी निकल कर आ जाती है। और आइसोहेटल जो निकल कर आई है उसके बाद उनका एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं, हर लाइन जो सक्सेसफुल लाइन है उनका जो एरिया है उसको कैलकुलेट कर देते हैं। और उसके बाद स्टेप फोर क्या हुआ कि जो एरिया निकल कर आता है, जैसे 4 और 6 का एरिया निकल कर आएगा, तो दोनों स्टेशन पे जो रेनफॉल रेशियो होती है उन दोनों का हम एवरेज निकाल कर इसका जो एरिया निकला है उस एरिया के साथ मल्टीप्लिकेशन करके हम एवरेज रेनफॉल निकाल लेते हैं। तो आइसोहेटल से इंटरपोलेशन मेथड से कैसे आइसोहेटल क्रिएट होगी, जैसे ए स्टेशन के ऊपर 4 सेंटीमीटर रेनफॉल रेशियो हुई है, और मान लीजिए बी स्टेशन के ऊपर 10 रेनफॉल रेशियो हुई है, तो हमें दोनों पॉइंट्स के बीच में 5 मीटर की जो आइसोहेटल वो क्रिएट करनी है। तो ये देखते हैं कि दोनों के बीच गैप कितना, तो 6 पॉइंट का है, तो हम इस लाइन को, ये लाइन जो ड्रॉ करेंगे दोनों पॉइंट्स के बीच में, उसको 6 भाग के अंदर कन्वर्ट कर देंगे, इक्वल ये 5 हो जाएगा, 6, 7, 8, 9 और ये 10। तो ये जो पॉइंट ये 4 को शो कर रहा है, ये पॉइंट 5 को शो कर रहा है, तो जो ये लाइन यहाँ होगी ये 5 की आइसोहेटल आ जाएगी। तो इस तरह इंटरपोलेटिंग मेथड से हम आइसोहेटल को निकालते हैं। अब जो आइसोहेटल हमने क्रिएट की है 4, 6, 6, 8, 8, 10, जो सक्सेसिव आइसोहेटल हमने ली थी, जैसे उस जो एरिया हमने पहले से डिमार्केट किया हुआ है उसके अंदर जो आइसोहेटल है 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12, 12 to 14, और उनका जो एरिया है वो 30 मीटर, 140 स्क्वायर किलोमीटर, 80 स्क्वायर किलोमीटर, 180 स्क्वायर किलोमीटर, 20 स्क्वायर किलोमीटर। तो जो आइसोहेटल हमारी दी हुई है उस आइसोहेटल की हम पहले एवरेज निकाल लेते हैं। तो 14 प्लस 12, 26 हो जाएगा, तो ये 13 आ जाता है, 12 प्लस 10, 22 हो जाएगा, तो ये 11 आ गया है, ये 18 हो जाएगा, तो ये 9 आ गया है, ये 14 हो जाएगा तो 7, उसके बाद ये 10 हो गया तो ये 5 आ गया है।
अब नेक्स्ट जो एरिया हमने दिया है वो भी 30, 140 स्क्वायर किलोमीटर, 80 स्क्वायर किलोमीटर, 180 स्क्वायर किलोमीटर, 20 स्क्वायर किलोमीटर जो एरिया आता है, उस एरिया को और जो एवरेज वैल्यू आई है दो सक्सेसिव आइसोहेड्रल के बीच में, हम उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जैसे 14.12 की जो आइसोहेड्रल है उनकी जो एवरेज रेनफॉल है वो 30 सेंटीमीटर है और एरिया उसका 30 स्क्वायर किलोमीटर है, तो इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 390 हो जाएगा। सिमिलरली आगे ये प्रोसेस करते चले जाएंगे तो ये 1540 हो जाएगा, ये 720 हो जाएगा, ये 1260 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। तो टोटल जो रेनफॉल रिसीव है रेन गेज के ऊपर वो 4010 टोटल सम आ गया है जो रेनफॉल रिसीव हुई है। और उसको जो टोटल सम को हम एरिया का जो टोटल बेसिन का एरिया है 450 स्क्वायर किलोमीटर, उससे हम इसको टोटल सम को डिवाइड कर देंगे तो 8.91 सेंटीमीटर उस कैचमेंट एरिया की रेनफॉल एवरेज रेनफॉल निकल कर आ जाती है। अब नेक्स्ट है कि जो हमारे तीन मेथड है इनके बीच में कंपैरिजन करके देखते हैं तीनों मेथड का। जो अर्थमेटिक मेन मेथड है वो सिंपल और इजीएस्ट मेथड है, और जो हर स्टेशन के ऊपर जो वैल्यू रिकॉर्ड की गई है तो हर वैल्यू एवरेज वैल्यू आई किसी भी एरिया की तो हर रेन गेज की वैल्यू के पास इक्वल चांस होता है कैचमेंट एरिया की एवरेज वैल्यू बनने का। और ये मेथड एक्यूरेट होता है जब रिकॉर्डिंग स्टेशन है और जो रेनफॉल है उस एरिया के अंदर कैचमेंट एरिया के अंदर बेसिन के अंदर वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो दोनों चीज़ें, रेनफॉल भी और रिकॉर्डिंग स्टेशन भी है रेन गेज भी, तब ये मेथड एक्यूरेट होता है। सेकेंड मेथड है थिसन पॉलीगन मेथड, ये मैकेनिकल मेथड है, अर्थमेटिक मेन की तुलना में ये मैकेनिकल मेथड है। और ये मेथड जब काम करता है जब रेन गेज और जो रेनफॉल है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होती है तो वो हम थिसन पॉलीगन मेथड का यूज कर सकते हैं। और इस मेथड के अंदर जो आउटसाइड गेजेस है जस्ट बाउंड्री के पास जो आउटसाइड के अंदर रेन गेज इंस्टॉल है उनकी वैल्यू को भी इसके अंदर शामिल कर लिया जाता है। और नॉर्मली इन जो थिसन पॉलीगन मेथड है वो ऐसे फ्लैट टोपोग्राफी होगी जहाँ पर फ्लैट टोपोग्राफी में जहाँ पर रेन गेज इंस्टॉल है या फिर कम ऊबड़ खाबड़ जो एरिया है वहाँ की एवरेज रेनफॉल निकालने के लिए थिसन पॉलीगन मेथड का यूज किया जाता है। उसके बाद थर्ड है आइसोहेड्रल मेथड। आइसोहेड्रल मेथड इन तीनों में सबसे ज़्यादा एक्यूरेट मेथड है और ये हिली रीजन और ऊबड़ खाबड़ एरिया के लिए इसका यूज हम ज़्यादा करते हैं। ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, पहले आइसोहेड्रल निकालते हैं फिर एरिया निकालते हैं, तो इस तरह ये एक टाइम कंज्यूमिंग मेथड है और इसके अंदर भी आउटसाइड गेज है वो कैलकुलेशन के अंदर एवरेज रेनफॉल कैलकुलेशन के अंदर शामिल किए जाते हैं। तो ये आपका डिटरमिनेशन ऑफ एवरेज रेनफॉल टॉपिक कंप्लीट हो गया है।